जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस डी यादव बुक का प्रतिशत चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 6 पार्ट कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन किए थे 107। आज हम 107 से अगले क्वेश्चन करेंगे। तो जो आपका 108वें नंबर का क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% थे, तो उन दोनों के अंक कितने हैं, यहाँ से आपको बताना। तो दो बंदे थे आपके, मान लीजिए ए था, एक कौन था, बी था। तो उसने कही ए ने 20 है 22 अंक अधिक, तो इसने एक्स किए होंगे, तो इसने कितने कर लिए, एक्स प्लस 22 अंक अधिक कर लिए और उसके अंक किसके अंक, ए के। तो एक्स प्लस 22 बराबर है दोनों के अंकों का योग, तो ये जोड़ दिया मैंने, कितना हो गया 2x+22 हो गया, दोनों के अंकों के योग का कितने हैं 55% है, तो 55/100, 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा ये 20 बार, ये 20 जो है आपका इधर तिरछीगुणा लगा लेगा, तो यहाँ से कितना हो गया ये 20x हो गया प्लस 22 दूनी कितना होता है 44, 440 हो गया बराबर, ये 11 अंदर गुणा लगाएगा तो कितना हो गया 11 दूनी 22x प्लस कितना हो गया ये 11 दूनी 22 के का 2 हासिल लगे, 2 11 दूनी 22 और 2 कितना हो गया 24, ये हो गया। अब देख लीजिए 20x इधर चले गए तो 22 में से 20x गए तो कितने बचे 2x बराबर, ये 440 था ये इधर आ गए, तो यहाँ से देख लीजिए 10 में से 2 गए तो कितना बचा आपका 8 बचा, और 3 13 में से 4 गए तो 9 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। x का मान यहाँ से अगर मैं देखूँ आपका कितना आ गया, 2 9 18 2 9 18, तो x का मान बताओगे आप कितना आ गया 99। x का मान मैंने b के नंबर, तो b के नंबर कितने आ गए, तो आप कहोगे 99 आ गए। अगर मैं a के नंबर पूछूँ तो a क्या है, x का मान कितना 99 प्लस कितना 22, तो 99 और 22 मैंने जोड़ा तो कितना आ गया 121, तो आपके जो अंक आए वो कितने आएंगे 121 और 99 आगे। देखते हैं किस ऑप्शन में 121 और 99, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला क्वेश्चन है 109वें नंबर का, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से जो आपका 109वें नंबर का क्वेश्चन है, सवाल है आपका कि एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 53 अंक मिले और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। बहुत बढ़िया, देख लीजिए मैंने माना अधिकतम अंक कितने थे 100 थे और उसे 36%, तो 100 का 36% कितना होगा 36 होगा, कि उसे 36% अंक लाने हैं, मतलब 100 में से 36 अंक लाने हैं। अब देख लीजिए क्या हुआ कि उसे जो अंक मिले कितने मिले 53 अंक मिले और वह 37 से फेल हो गया, मतलब 53 अंक तो ले आया और कितनों की जरूरत थी 37 से वो फेल हो गया, मतलब अगर उसे 37 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है, कितनों से फेल हो गया 37 से फेल हो गया, इसका मतलब अगर 37 अंक उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता, 53 उसके पास है 37 और मिल जाते तो 53 और 37 अगर इसे और मिल जाते तो पास हो जाता, तो आप बताओगे पासिंग मार्क कितने पे है 10 के का 0, 5 3 8 1 9 90 पे है, पासिंग मार्क कितने पे 90 पे, मतलब अगर उसके 90 अंक होते तो वह पास हो जाता। यहाँ कह रहे हैं कि उसे 36 अंक मिल जाते तो पास हो जाता, 36 की जगह कितने अंकों की जरूरत पड़ी 90 की, कितने गुना 90/36 इतने गुना, ठीक है काट लीजिए 9 से काटा है मैंने 9 2 90, 9 से काटा है मैंने कितनी बार 4 बार, तो कितने गुना 10/4 गुना, उसने पूछा अधिकतम अंक, अधिकतम मैंने कितने माने 100, इनका भी क्या कर दीजिए 10/4 गुना कर दीजिए, तो देख लीजिए क्या है कि 100 × 10/4, 4 से काटा है मैंने कितनी बार 25 बार और 25 ढाई कितना होता है 250, तो अधिकतम अंक कितने हो गए, तो आप कहोगे यहाँ से अधिकतम अंक कितने हो गए 250 हो गए। देखते हैं किस ऑप्शन में 250, जी हाँ आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल जो आपका 110 नंबर का सवाल है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% थे, उन दोनों के अंक कितने, देख लीजिए बहस तो करा दिया मगर फिर भी चलो एक सवाल और करा देता हूं मैं आपको। ए बी थे, अब इसे एक्स मिले तो इसे आपका कितने फालतू तो मिल गए एक्स प्लस 20 मतलब 20 मिल गए। अब उसने कही कि उसके अंक किसके अंक, इसके अंक कितने एक्स प्लस 20 बराबर है किसके इन दोनों के योग का, तो कितना 2x+20 का कितना 55%, तो 55/100, 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 20 बार, 20 की इधर तिरछीगुणा लगा दीजिए, यहाँ से कितना हो गया 20x+20 BCM 400 बराबर 11 दूनी 22x+11 दूनी 22 220, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है x में से x गया तो 2x बचा है यहाँ से प्लस वो सॉरी बराबर, अब 400 में से 220 गया तो आप बचाओगे कितना बचा 180, x का मान यहाँ से कितना आ गया 90 आ गया, जब ये x का मान कितना आ गया 90 तो मैं यहाँ पर रख दूँ तो x का मान कितना आ गया 90
तो इसका मान कितना आएगा, तो 90 और 20 कितना होता है 110 आएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया 110 और 90। क्या आ गया आंसर 110 और 90, देखते हैं किस ऑप्शन में 110 और 90। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 111 नंबर का सवाल है, सवाल है आपका कि एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करने होते हैं, उसने 31 अंक मिलते हैं और वह 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था। देख लीजिए, मैंने फिर अधिकतम अंक वैसा वह कराया, 100 था, 24% की जरूरत पड़ ली, तो कितने की जरूरत है 24 अंकों की। अब देख लीजिए उसे कितने अंक मिले, यहाँ से 61 अंक मिले और वह 29 से फेल हो गया। कितने मिले, 61 मिले और 29 से फेल, मतलब 29 और मिल जाते तो पास हो जाता, तो उसे कितनों की जरूरत है पास होने के लिए। 29 और 61 को जोड़ दीजिए, 0 7 रेक 8 रेक 9 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 24 पर पास होता है, कह रहा है 90 पर कितने गुना, तो 90/24 गुना, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप, 90/24 गुना कर दीजिए, तो 100 × 90/24, 4 से काटा 4 × 24, 4 से काटा कितनी बार 25 बार, ठीक है, और 6 से काटा कितनी बार 6 × 6, बचा कितना 3, 6 × 5 = 30। अब इन दोनों की गुणा करिए, 25 × 5 = 125 के मान हासिल लगे 12, 25 × 25 और 12 कितना हो गया 37 हो गया, तो आप बताओगे कितने, 375 अंक थे। अधिकतम अंक कितने थे 375, देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 112 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 112 नंबर का सवाल है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 10% अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के योग का 75% थे, तो उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए। 112 सवाल को आप खुद करोगे, क्योंकि दो सवाल मैं ऐसे करा चुका हूं, अगर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर करा दूंगा, ठीक है। अगला 113 सवाल है कि दो विद्यार्थी ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए, ए को 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती अंकों का अंक उसके अंकों के योगफल का 55% था, तो ए बी का प्राप्तांक का योगफल देख लीजिए क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, ए बी के दोनों के निकाल कर उन्हें जोड़ दियो आप ए बी के, ठीक है, तो ये सवाल भी आप खुद करोगे। 14वां सवाल 114 नंबर का है कि 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई, जहां प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितने थे, 100 थे। एक्स ने 4 विषयों में 82, 97, 88, 91 अंक प्राप्त किए, यदि उसके कुल अंक 90% थे, तो 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए। देख लीजिए, हर सब्जेक्ट जो था पांचों के पांचों का कितना था, हर कोई सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का था, ठीक है, हर कोई सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का था, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट थे, तो पूर्णांक कितने का हो गया आपका, 5 में 100, 100, तो यहां से कितना हो गया 500 का, क्या हो गया ये आपका पूर्णांक, क्या हो गया ये आपका पूर्णांक हो गया, ठीक है, 500 का पूर्णांक हो गया। और किसी बच्चे ने जो एक्स था उसने 500 का 90% अंक प्राप्त कर लिए, तो 500 का 90/100, दोनों जीरो खत्म, 9 × 5 = 45, मतलब 450 अंक क्या कर लिए इसने प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए, ये पांचों सब्जेक्टों में उसने कितने, मतलब 5 विषयों में कितने प्राप्त किए पांचों में, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कितने, 450 अंक प्राप्त किए, 450 अंक। अब देख लीजिए, जो उसके 4 सब्जेक्ट है उसके अंक उन्होंने दे रखे हैं कितने कितने दे रखे हैं, यहां से 82, 97, 88, 91, कितने कितने दे रखे हैं, 82, 97, 88, 91 ये दे रखे हैं, तो उसने चारों में कितने अंक प्राप्त कर लिए, 7, 2, 9 और 9, 9, 18, 1, 8 हाँ से लगा 1, 9, 1, 10, 10, 8, 18, 18, 8, 26, 26, 9, 35, 26, 9 कितना 35, 358 अंक प्राप्त कर लिए। तो मैं पूछूँ यहाँ से कितने विषयों में, 4 विषयों में, क्योंकि विषय कितने मेरे पास, 4, 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 में कितने प्राप्त कर लिए उसने, 358 अंक प्राप्त कर लिए। यहाँ से देख लीजिए बचा क्या, 1 विषय, ठीक है, बचा कितना 1 विषय, और यहाँ से अंक कितने बचे उसके हिस्से में, 10 में से 8 गए तो कितने बचे 2, और यहाँ पर रह गया 4, 14, 14 में से 5 गए तो कितना बचा 9, यहाँ पर 3 रह गया, तो बताइए उसने 5वें विषय के लिए कितने अंक है, 92 अंक, देखते हैं किस ऑप्शन में है 92, यहाँ से देखते हैं 92 किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 115 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 115वां सवाल है कि एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो रहा है, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता, तो उत्तीर्ण अंक स्कोर कितना है, बताना है आपको। देख लीजिए, उसने कितने 32% अंक प्राप्त किए और अभी कितने से -6 से फेल हो गया, मतलब कम है, फेल हो गया,
अब अगली बार में उसने अगर 36% प्राप्त किए होते तो वह 2 अंक उसे उत्तीर्ण हो जाता, मतलब फालतू। मैं यहाँ से पूछूँ आपका तो कितने का अंतर, तो आप कहोगे यहाँ कितने का, 4% का अंतर। और यहाँ से अगर मैं नंबरों का अंतर पूछूँ तो आप कहोगे यहाँ तो कम पढ़ लेते 6 और यहाँ 2 फालतू हो गए। तो देख लीजिए इनका अंतर क्या होगा, जब भी चिन्ह आपके अलग अलग तरीके के होंगे तो आप इन्हें जोड़ोगे, और चिन्ह एक से होंगे तो आप इन्हें घटाओगे। तो चिन्ह आपके अलग अलग हैं तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, ये माइनस के 6 थे प्लस के 8 थे, तो दोनों का अंतर, सॉरी प्लस के 2 थे दोनों का अंतर कितना हो गया, 8 हो गया। मैं पूछूं आपसे कि 1% बराबर किसके, तो आप कहोगे 4 × 8, मतलब 1% किसके बराबर है, तो आप कहोगे 2 अंकों के बराबर है। 1% किसके बराबर, 2 अंकों के बराबर है, ठीक है। अब देख लीजिए, चाहे तो आप यहाँ की बात मान लीजिए, चाहे नीचे वाली मान लीजिए, चलो मैं यहाँ की मानता हूँ ऊपर वाली, ठीक है। क्या था कि 1% किसके बराबर, 2 के, तो 32% किसके बराबर, तो आप कहोगे 32 × 2, ठीक है, 32 × 2। और देख लीजिए कमी कितनों की पड़ रही थी, 6 की, इसका मतलब 6 की जरूरत है, 6 से वो फेल हो गया तो 6 की जरूरत है, मतलब 6 जोड़ने पड़ेंगे, तो प्लस 6, तो आप कितने बताओगे, 32 × 64 और 6 कितना हो गया, 70 हो गया। तो अधिकतम अंक कितने थे, तो आप कहोगे उत्तीर्ण अंक जो थे तो कितने थे, वो 70 थे। तो उत्तीर्ण अंक देखते हैं हम कितने थे, क्या 70 है ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये आपका जो टाइप था परीक्षा में फेस पास फेल पर आधारित प्रश्न, ये टाइप आपका समाप्त हो चुका है। अब जो आपका अगला टाइप है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, उसका पहला सवाल करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है, चीनी पर बिया का बही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी और चीनी पर अपने बिया में 1% की वृद्धि कर ली, तो x का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया, आप देख लीजिए क्या था, यहाँ से मूल्य, ठीक है, उपयोग और इसके बटे में होता सबके क्या बिया या खर्च कह देंगे, ठीक है। तो मूल्य में कितना, 25% की वृद्धि हुई, 25% की भी नहीं 1/4, अगर पहले 4 था तो अब बढ़ के कितना हो गया 5, देख लो एक बार 25% की है क्या, जी हाँ। और देख लीजिए क्या है कि उसने अपने उपभोग में उपयोग में 4% की कमी कर दी, तो यहाँ से मैं अगर आपसे 4% की भिन्न पूछूँ तो आप कहोगे कितना, 1/25, यहाँ से कितना कर दिया 25 से, जब कमी करी है तो ऊपर वाला घटा दीजिए, तो 25 से कितनी कर दी 24। अब ये देखो मैं 25 × 100, देख लीजिए क्या कि मूल्य है आपका 4 रुपये प्रति की ग्राम, उपयोग किया आपने 25 किलो तो कितने रुपए खर्च करे होंगे, 25 × 100 रुपये यहाँ से हमने खर्च करे होंगे, क्योंकि इन दोनों का गुणा, मूल्य गुणा उपयोग बराबर कितना होता है, बिया होता है, ठीक है। यहाँ से मैं करूँ तो 24×5=120। अब देख लीजिए कितने प्रतिशत बिया बढ़ गया आपका, तो आप कहोगे 20 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया, 100 पे बढ़ गया, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 से आपका 100 कट गया, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका, 20% आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है 20%, तो जो आपका 116 नंबर का सवाल है उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो सवाल है आपका कि पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 22% बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा। बहुत बढ़िया, देख लीजिए क्या कि कीमत 28% बढ़ गई, कीमत मतलब मूल्य, मैंने मिटा दिया, चलो कोई नहीं, मूल्य कितना 28% बढ़ गया, तो 28% की भिन्न क्या होगी, 28/100 होगी, यहाँ से 4 से काटा 4 × 7 = 28, 4 से काटा कितनी बार, 25 बार, ठीक है। तो कितना 7/25, मतलब मूल्य पहले कितना था, जब वृद्धि हुई 25 था और 7 बढ़ गया, तब अब कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए उपयोग या क्या कहूँगा मैं इसे, खपत कहूँगा, उपयोग को हम क्या कहते हैं, खपत भी कहते हैं। उपयोग में देख लेना क्या है, कह रहा है कि उपयोग में, अच्छा, खर्चा केवल 22% बढ़े तो खपत या उपयोग में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये तो आपको बताना है, ठीक है। और जो आपका व्यय है, क्या है, व्यय, ये 22% बढ़ रहा है, तो आपसे अगर मैं पूछूं 22% की भिन्न, तो 22/100, तो यहाँ से आप बताओगे कितना, 11/50, कितना बताओगे यहाँ से आप, 11/50 ही बताओगे, जी हाँ 11/50, तो कितना, सॉरी 50 है, पहले अगर आपका 50 था तो अब बढ़ के कितना हो गया, तो आप कहोगे 61 हो गया। अब देख लीजिए क्या है, उपयोग का पता करना हमें, क्या है कि किसी चीज का रेट है 25 रुपए किलो और आप 50 रुपए में कितने लेकर आओगे, तो इसे निकालने के लिए उपयोग का आप क्या करोगे यहां से, क्योंकि देख लीजिए मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बीए बराबर बताया था, तो बीए बराबर क्या बताया था, कीमत या मूल्य गुणा क्या, उपयोग, ठीक है। अब यहां से अगर मैं उपयोग निकालूं तो उपयोग बराबर क्या आएगा, तो आप बताओगे मूल्य क्या होगा, बीए के बटे में चला जाएगा, बीए बटे मूल्य,
ठीक है, तो यही तो करना है मुझे उपयोग। इसके बटे में मैंने 25 लगा दिया, तो यहाँ से आप देखो कि 25 दूनी 50, तो ये तो आ गया आपका 2। अब यहाँ से निकालेंगे तो इसे भी इसके बटे में लगा देंगे, तो इसके बटे में लगाया तो ये कितना हो गया, 61 बटे 32 हो गया। अब ये उपयोग जो इसमें कमी बूझ रहा, कितनी कमी होगी, तो मैं इसे ठाके यहाँ रख लूँ उपयोग को, पहला 2 था अब कितना हो गया ये 61 बटा 32 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है मुझे, इन दोनों का अंतर देखना है कितने की कमी होगी। तब आप क्या करोगे कि 2 माइनस 61 बटे 32, 32 दूनी 64, 64 में से 61 गए तो आप बताओगे कितने, 3 बटा 32, कितना 3 बटा 32। इनका अंतर कितना आ गया दोनों का, 3 बटा 32 आ गया। क्या है कि ये इससे इतना कम है, किससे कम है, 2 से, तो बटा 2, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। ये 200 काटा मैंने कितनी बार, 50 बार। ठीक है, ये 200 काटा कितनी बार, 25 बार, और ये 200 काटा मैंने कितनी बार, 16 बार। 25 थी कितना हो गया, 75 हो गया, बटे कितना 16, यहाँ से काट दीजिए, 16 चौके कितना होता है आपका, 64 होता है, बचा कितना 11, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, हो गया कितना 110। ठीक है, 16 सत्ते 112, तो देखते हैं 4.7% की क्या कमी है कहीं पे, देखते हैं 4.7% की कमी है तो कौन से ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है, 4% की कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहां से देख लीजिए कितने, 17 जी 18 19 20 21, ये सवाल आप खुद करोगे, 18 19 20 21। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल ऊपर वाले कितने हैं, 18 19 20 21, और क्या है ये 22वां सवाल भी सेम ही है। ठीक है, चलो 22वां मैं करा देता हूँ। ठीक है, 122वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी हो, कमी करनी होगी दशमलव के एक स्थान तक। ऐसा सवाल तो शायद, चलो करते हैं। क्या है कि 17% की वृद्धि कर ली चीनी के मूल्य में, तो मूल्य में क्या है 17% की वृद्धि, देख लीजिए 17% की कोई भिन्न होती ही नहीं, तो 17 से कितनी हो गई, 100 से कितनी हो गई, वो 117 हो गई। वो पूछ रहा है कि अपना खर्च केवल 8% बढ़ाना चाहता है तो उपयोग या खपत में, तो ठीक है खपत का हमें पता नहीं, मगर जो उसका क्या है यहाँ पर खर्च है, खर्च में केवल कितना बढ़ाना चाह रही है वो 8%। 8% की कितनी भिन्न होगी, तो 8 बटा कितनी होगी, 100 होगी, तो आप कहोगे 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, मतलब 2 बटा 25। इसका मतलब क्या, 25 था पहला खर्चा, तो अब बढ़ाएगा कितना करेगा, बस वो खाली 27 करेगा, यही तो था। एक बार और चेक कर लेते हैं सवाल को, केवल 8% की वृद्धि, जी बिल्कुल ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से खपत देखूँ मैं तो ये 100 क्या होगा, इसके बटे में लग जाएगा। अब जब इसके बटे में 100 लगेगा तो आप कहोगे 25 गुना 25 और 25 चौका 100, यहाँ से आएगा आपका कितना 1 बटा 4। अब यहाँ से क्या है, ये आएगा आपका इसके नीचे लग जाएगा कितना 17 100। ठीक है, तो 13 नम्मा 117 और 900 काट रहा हूँ मैं इसे, तो 13 बार कटेगा और 9 ती कितना 27, तो यहाँ से आपका कितना बचा, 3 बटा 13 बचा। ठीक है, यहाँ से कितना बटा बचा, 3 बटा 13 बचा। अब देख लीजिए खपत को यहाँ कर लीजिए आप बाहर, के 1 बटा 4 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 3 बटा 13 हो गई, कितने की कमी हो गई। यहाँ से कमी अगर मैं निकालूँ इन दोनों की, तो मैं कमी निकाल रहा हूँ कितना, 1 बटा 4 माइनस 3 बटा 13। इनका एलसीएम ले लिया मैंने कितना, 13 चौके 52 एलसीएम ले लिया, तो 13 माइनस 4 12, तो यहाँ से आंसर कितना, अंतर कितना है, 1 बटा 52 का अंतर आ गया। कितने पर आ गया, 1 बटा 4 पर। तो इसे क्या करोगे आप, 4 बटा 1 उल्टे से गुणा, और परसेंटेज निकालना तो गुणा 100 13, यहाँ से कितना आएगा 13 बार, और यहाँ से कितना आएगा आपका 100 बटा 13 आएगा। अब 13 से कर लीजिए इसे, 13 सत्ते 91, बचा कितना आपका 9 बचा, पॉइंट लगाया हो गया 90, 13 6 78, तो यहाँ से आपका कितना आएगा 7.6, क्योंकि दशमलव के एक स्थान बाद तक पूछा था। देखते हैं किस ऑप्शन में 7.6 जो है आपका, 7.6 दशमलव के एक स्थान तक सही, 7.6 से आगे को भी कुछ चलेगा, तो देख लीजिए 7.6 तो यहाँ है नहीं। ठीक है, अभी चलो आगे करते हैं, 13 13 6 78, बचा कितना 2 13 6 78 78 2 12 बचा 12, पॉइंट लग गया 0 120 हो गया। ठीक है, 120 हो गया, 13 नम्मा 117, मतलब 6.9, तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, इसे मैं 7.7 भी कह सकता हूँ, क्योंकि 7.6 ऑप्शन में नहीं है, क्या है 7.7। देखते हैं क्या 7.7 ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, 7.7
7। अब देख लीजिए जो आपके अगले सवाल हैं वो बिल्कुल आपके इस सवाल की सेम टू सेम हैं, तो उन सवालों को आप खुद करना। कौन कौन से सवालों को? 123, 124 भी खुद करोगे आप, 125 भी खुद करोगे, 126 भी खुद करोगे। वैसे तो सवाल तो 127 भी आप खुद करोगे, मगर चलो लास्ट सवाल है, मैं करा देता हूँ। तो 127वां सवाल है आपका कि यदि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है और कोई भी व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देख लीजिए क्या है, 21% की वृद्धि होगी। तो अब मैं मूल्य नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 100 से कोई चीज़ कितनी होगी, तो आप कहोगे 121 होगी। फिर क्या है, उसे खपत में पता ना कितनी कमी करनी पड़ा है, उसका जो उसका खर्च है वो कितना बढ़ा है, केवल 12% बढ़ा है। तो खर्च जो है, ठीक है, केवल 12%। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ से 12% की भिन्न बूझूँ तो आप 12% की भिन्न बता दोगे। तो 12/100, 4 3 12, 4 से 25 बार। ठीक है, यहाँ से आपका कितना हो गया, 25 से कोई चीज़ कितना हो गया, तो आप कहोगे 28 हो गया। अब देख लीजिए, जब मैं इसे निकालूंगा तो ये इसके बटे में लगा दूंगा, बटे में 100 लगाया तो 25 25 25 24 100, यहाँ से तो ये आएगा, इसके बटे में भी मैं ये लगाऊंगा कितना, 121 लगाऊंगा। क्या ये कट रहा, नहीं कट रहा, तो यहाँ से मैं इसको ही लिख देता हूँ क्या, 28/121। अब मैं इसे उपभोग को यहाँ ले आता हूँ, कितना, 1/4, और ये कितना हो गया, 28/121 हो गया। तो इन दोनों का अंतर मैं करूँ तो देख लीजिए, अंतर कर रहा हूँ मैं इनका, 1/4 - 28/121, एलसीएम इनका कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा इनका 4 * 4, ठीक, 4 * 2 = 8 और 4 * 4, तो 121 इकन कितना हो गया, 121 हो गया, -28 चौक कितना हो गया, तो 28 * 56 * 112 हो गया, कितना, 112। देखता हूँ, 4 * 8 = 32 के वहाँ से लगे 3, 4 * 2 = 8 = 3 = 11, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से अगर मैं अंतर देखूँ इनका कितना हो गया, तो 9/4 = 8 = 4 हो गया, कितना, यहाँ से अंतर कितना हो गया, 9/484 हो गया। बटे में क्या लगाना है, 1/4, मतलब बटे में लगाना, तो ये उल्टा कर दीजिए, कितना, 4/1 ऐसा कर दीजिए, और परसेंटेज निकालना तो गुणा 100। 4 से काटा है मैंने कितनी बार, 4 * 4, 4 * 2 = 8, 4 * 4, तो आप कहोगे क्या, कहोगे यहाँ से ऐसा 3 से कटेगा क्या, 9 से कटेगा, 9 से 2 4 नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कितना हो गया आपका, ये 900/121 हो गया, कितना हो गया, 900/121 हो गया। यहाँ से देख लीजिए आंसर लाना है, और हमें यहाँ से ये बस ही काटना, तो आप गुणा भाग दे दीजिए इसे इस तरीके से, ठीक है। तो 121 से अगर देख लीजिए, मैं कितनी बार, 7 बार नहीं देख सकता, 7 बार दे सकता हूँ, देखते हैं क्या 7 बार चली जाएगी। 7 * 7 = 7, 7 * 2 = 14, 14 * 4 = 8, 7 * 7 = 8, बिल्कुल चली गई। यहाँ से कितना बचा, तो 10 में से 7 गए तो 3 बचा, यहाँ से 9 में से 4 गए तो आप बताओगे कितना बचा, 5 बचा, ठीक है, यही तो बचा, बिल्कुल पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर ये 12 होता तो 12 * 4 = 48 लगभग 4 बार करके देखता हूँ मैं इसे, पहले 4 * 4, 4 * 2 = 8 और 4 * 4, यहाँ से कितना बचा, 10 में से 4 गए तो आप बताओगे 6 बचा, 12 में से 8 गए तो 8 * 4 = 12, ये बचा 46। तो क्या दशमलव के एक अंक बाद बूझा है, तो 7.4 है, क्या दशमलव के एक बार, बिल्कुल 7.4 यहाँ से ये दे रखा है, तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 7.4% आ गया। ये देख लीजिए आपका कौन सा आंसर है, 7.4, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो यहीं पर आज की वीडियो हम अपनी समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।